अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु। मेरा नाम मोहम्मद आमिर अली है और ज़िक्रा हाई स्कूल का मैं एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर हूँ। मैं आज हम लोग सीरा एक्सपो ऑर्गेनाइज़ किए हैं, जिसका उनवान है द मोर यू नो हिम द मोर यू लव हिम। जितना हम अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में मालूमात करेंगे, हम उतनी ज़्यादा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करेंगे। और इस एक्सपो में हमने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़िंदगी के कई डिफरेंट गोशों को हमने मॉडल्स के ज़रिए पेश किया है, और उसके अलावा भी हमने मुख्तलिफ मॉडल्स किए हैं। जैसे हमने एक मॉडल किया है सीरा इज़ द आंसर। इसका मतलब ये है कि दुनिया आज जो मसाइल से परेशान है, पावर्टी, गुरबत, कैपिटलिज्म, सरमायदारी निज़ाम, रेसिज़म, ये तमाम मसाइल का हल हम इस दुनिया को समझाना चाह रहे हैं कि ये तमाम मसाइल का हल सिर्फ़ और सिर्फ प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत में है। एक मॉडल है जिसका नाम है लीडरशिप ऑफ रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। एक मुख्तसर पीरियड 23 ईयर्स का बहुत छोटा सा पीरियड होता है, अल्लाह के रसूल ने 23 साल की ज़िंदगी में पूरी दुनिया के अंदर इनकलाब लाया। तो हम हमारे मॉडल के ज़रिए कई डिफरेंट शोबों को हम समझा रहे हैं, और कई डिफरेंट मॉडल्स हैं, टाइमलाइन है जिसमें अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़िंदगी को पूरे डिफरेंट पार्ट्स में जो है ना समझाया जा रहा है। मैं अब तमाम से दरख्वास्त करता हूँ, ज़िक्रा हाई स्कूल राजभवन रोड समाजुगड़ा पर तशरीफ़ आइए, अपने घर वालों के साथ, अपने दोस्त अहबाब के साथ तशरीफ़ लाइए, और एक सुनहरा मौका जिसमें आप अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़िंदगी को जान सकते हैं, और जानकर जो है ना अमल करें और लोगों तक हम पहुँचाने की कोशिश करें। जज़ाकल्लाह खैर। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु। Zara Iqbal from PP2 class. My teacher name is Nikhat teacher and Apya teacher. Bismillahirrahmanirrahim. Khala Rasulullahi sallallahu alaihi sallam ne farmaya Rasulullah sallallahu alaihi sallam ne हदीस नंबर 1 अस्सलातु अल कलाम। बात करने से पहले सलाम क्या करो, आपस सलाम बिफोर। हदीस नंबर 2 अब तो शत्रु ईमान पाठ की अदाई मान। थैंक यू। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु। वेलकम टू सीवरा एक्सपो एट ज़िक्रा हाई स्कूल एंड अब्दुल दादा क्लास PP2 एंड प्रेजेंटिंग ऑन दिस संडे पर मिस्टर मोहम्मद अब्दुल सर मिस निखात देख मैं सतफिया प्लीज हमारे एक पानी पीने को तैयार हाँ इच्छा बोल माँ पानी देकर प्या करो सीधा वाटर बिफोरी प्लीज हमारे दो दुआ अदुआ खुली बाधा दुआ बात का माउस है एप्लीकेशन दुआ दर्शन तो वर्षिप जिस समय इन माँ का मरतबा अलजन्नत था माँ माँ के खदमों के नीचे जन्नत है पैराडाइज इज अंडर द फीट ऑफ द मदर। हदीस नंबर 4 तरता सफाई अतहूर शतुल ईमान पाकी आदर माने नई साफ अवधी फेत ईमान। हदीस नंबर 5 सलाम अस्सलाम कब्ल कलाम बात करने से पहले सलाम क्या करूँ ऑफर सलाम बिफोर टॉक द मोटिव फॉर प्रेजेंटिंग दिस हदीस इज दैट वी रिमेंबर द हदीस एंड टॉक टू देम इन नेवर इन लाइफ। My name is Shima Fatima. I am from PP2. My school name is Zikra High School. My teacher's name is Likha teacher and his name is Zain Abdul Aziz sir. Hadith number 2. Ishrabul ma ayum nakum pani dekar piya karo. Seedha wata before you did. Thank you. Jazakallah. الله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول صدق الله العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Myself Muhammad Siraj Rahman. I am a student of class 10. My topic is about racism. Racism is another serious challenge. What is racism? Its history goes back to thousands of years. In Germany, Nazis were racist, and Hitler once says Nazis are destined to rule the world. Of world as world has seen its consequences.
world has seen its consequences. In World War II, millions died. Even today, racism found everywhere. Americans says they are superior than Africans. Brahmins says they are superior to Dalits. Thank you. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. We warmly welcome to your agency, Rajko, on the behalf of our class. Today, with the students of class 8, we are going to perform one of the concerts from Sira. It is Year of Sorrow. It is supervised by Professor Namiz and Tawassul. Now, my friend, let's welcome to the topic. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. I'm Mr. Khadija, the wife of Rasulullah, and I'm Kalam Al-Tahir, youth supporting Sallallahu alaihi wasallam. All the time. Once Abu Talib fell ill, and when his death approached, he sallallahu alayhi wa sallam told, "Oh uncle, please recite Kalima and accept the Islam." But Abu Jahl and Abdullah bin Umayyah told, "Will you leave the religion of Abu Talib?" So he told, "No," and he had not read the Kalima and accept the Islam. And he passed away. After a few days, his wife and wife, Hazrat Khadija radhiyallahu anha, also passed away. Due to the death of both, one after other, he sallallahu alayhi wa sallam fell in many problems, and he has named the year as Amudin, the year of sorrow.